तो चलो हम पांच ही स्पिन कर लेते हैं सिंपल सा। और यहाँ पे मैं आपको फिर बताता हूँ इसमें होता क्या है। एक आया, तीन आया, और यहाँ पे देखो तीन आ गया, तो वापस चले जाएंगे, फिर आपके सामने छः आ गया। चलो बॉक्स तो मुझे मिल चुका है, क्या बात है यार, बॉक्स मिल चुका है। और आई मुझे क्या यार बॉक्स, तो मतलब देखो यहाँ पे 100% यार हमारा काम 186 डायमंड में हो चुका है। सो है गाइस, वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो। तेरे यहाँ पे फ्री फायर में आप सभी लोगों को पता है कि एक न्यू इवेंट आ चुका है जिसका नाम है वेपन हंट। और यहाँ पे इस इवेंट में आपको देखने को मिलेंगे कुछ लेजेंडरी वेपन। और यहाँ पे ये इवेंट जो है चलने वाला है 28 जनवरी से 3 फरवरी तक, ठीक है। तो यार इस वीडियो में हम इस इवेंट की फुल डिटेल्स के बारे में बात करने वाले हैं, क्या है ये इवेंट और कैसे आपको इस इवेंट को कम्प्लीट करना है। और अगर आपको ये बैनर दिख रहा होगा, बैनर पे आपको लेफ्ट साइड में एक गोल्ड कलर का बॉक्स दिख रहा होगा जिस पर फ्री फायर लिखा हुआ है। आखिर इस बॉक्स में ऐसा क्या है जो सब लोग इस पर अपने डायमंड वेस्ट कर रहे हैं, इस बॉक्स के पीछे क्यों पड़ रहे हैं, इस वीडियो में हम फुल डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर दोस्तों हर स्टूडेंट्स के लिए ये एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता है तो आपको चले जाना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आपको डाउट नट एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है सिंपल सा, और फिर आपको अपने क्वेश्चन का फोटो खींच लेना है और इस एप्लीकेशन में सबमिट कर देना है, आपको इसका तुरंत आंसर मिल जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप व्हाट्सएप द्वारा यहाँ पर आंसर चाहते हो तो आपको उसका फोटो खींच लेना है अपने क्वेश्चन का और भेज देना है 8400400400 पर, ठीक है। आपको तुरंत वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। और इस एप्लीकेशन में आपको मैथ्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स सभी क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं। और यहां से इस एप्लीकेशन से आप अपनी जी मेंस की भी तैयारी कर सकते हैं। तो जाओ डिस्क्रिप्शन में इंस्टॉल कर लो डाउट नेट एप्लीकेशन को। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस देखो यहाँ पे जैसे आप अपने गेम को ओपन करते हो, ओपन करते ही आपके सामने वो बैनर आ जाता है, तो आपको ट्राई नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप ट्राई नाउ पर क्लिक करोगे, हो सकता है यहाँ पे आप सभी लोगों को पता है कि सर्वर में प्रॉब्लम तो आती रहती है भैया, लेट ही ओपन होगा इवेंट तो यहाँ पर देखो इवेंट जो है ओपन हो रहा है। हो सकता है यहाँ पर नेटवर्क की प्रॉब्लम हो या फिर सर्वर की प्रॉब्लम हो, वो तो मुझे नहीं पता क्योंकि मैं अभी अपनी छत पर ही वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो अगर हम इस इवेंट की बात करें, अभी भाई देखो मैं यहाँ पे अपने डायमंड वेस्ट नहीं करता हूँ ऐसे फालतू के इवेंट में। वैसे इवेंट तो देखते हैं कैसा है। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम यहाँ पे हाउ टू प्ले पर जाते हैं, इस इवेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमें एक स्पिन लगने वाला है। चलो एक स्पिन हमें 30 डायमंड में एक स्पिन लगने वाला है। और यहाँ पे 135 डायमंड में हम 5 रोल कर सकते हैं। और रिडीम में अगर जाते हैं तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले तो क्या क्या हो सकता है इसमें। तो फायर क्रेट यहाँ पे फार्मर्स की क्रेट है और बहुत सारी लेजेंडरी वेपन्स हैं यहाँ पे जिन्हें हम रिडीम कर सकते हैं यहाँ पे। तो देखते हैं भाई, चलो सबसे पहले तो मैं स्पिन ही करके देख लेता हूँ आखिर इस बॉक्स में ऐसा क्या है। और यहाँ पे देखो मैं आपको बता दूँ, ये हमारा प्लेयर्स है यार, ये लोग ही हमें जीने नहीं देते। तो यहाँ पे देखो हमारा ये जो कैरेक्टर है यहाँ पे, ये हमारा प्लेयर है। और ये गेम जो है यहाँ पे एक मतलब ये इवेंट जो है एक लूडो की तरह है, ये गेम यहाँ पे लूडो की तरह है। तो आप देखो अगर आप एक स्पिन करोगे तो यहाँ पे ये जो लूडो का टोक, ये लूडो होती है जैसे वो घूमता है, जितना भी नंबर आएगा उतना ही ये प्लेयर हमारा उतने ही कदम आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे हम स्पिन करेंगे सिंपल सा सबसे पहले तो यार ये क्या यार बकवास यार। तो यहाँ पे चलो मैं एक स्पिन करके देख ले, सबसे पहले मैं देख लूँ मेरे पास 186 डायमंड है, तो चलो हम 5 स्पिन कर लेते हैं सिंपल सा। और यहाँ पे मैं आपको फिर बताता हूँ इसमें होता क्या है। एक आया, तीन आया, और यहाँ पे देखो तीन आ गया, तो वापस चले जाएंगे, फिर आपके सामने छः आ गया। चलो बॉक्स तो मुझे मिल चुका है, क्या बात है यार, बॉक्स मिल चुका है। और आई मुझे क्या यार बॉक्स, तो मतलब देखो यहाँ पे 100% यार हमारा काम 186 डायमंड में हो चुका है और बॉक्स मुझे मिल चुका है। अभी हम दिखाएंगे इसे रिडीम करके। तो यहाँ पे इस वीडियो के साथ बने रहे, मुझे मतलब बिलीव नहीं हो रहा है कि मुझे बॉक्स मिल चुका है। जो यहाँ पे लोगों ने 3000 4000 5000 डायमंड वेस्ट कर दिए, उन लोगों के पास ये बॉक्स नहीं निकला जो हमें पहली ही 5 स्पिन में निकल चुका है। तो चलो रिडीम पर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर हम रिडीम कर सकते हैं शायद कुछ भी। तो देखते हैं यहाँ पर एक ड्रैगन पर क्लिक करके क्या रिडीम कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम रिडीम पे जाएं तो हमारे पास एक रिडीम है, सबसे पहली बात हमारे पास एक रिडीम है। अभी देख, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ आखिर इस बॉक्स में ऐसा क्या है। तो यार सबसे पहले तो यार मान जा यार, कौन है भाई यार वीडियो बनाने दे, मैं सबको अपनी फ्रेंड लिस्ट से अनफ्रेंड कर दूंगा यार आज ही। ये जो भी है मुझे, मैं देखूंगा इसे कौन है, मैं फ्रेंड लिस्ट से अनफ्रेंड करूँगा। ओ भाई मान जा यार वीडियो बना लेने दे यार। तो चलो एक स्पिन और कर दें। अरे भाई मान जा मेरे भाई,
यार एक मिनट में वीडियो को पॉज करके वापस से गेम को ओपन करके आया। ठीक है, इसे देखता हूँ कौन है। सबसे पहले इसे फ्रेंड लिस्ट से हटाता हूँ। सो गाइस देखो हमारे पास एक रिडीम है और हमें और स्पिन करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम रिडीम पर सिंपल सा क्लिक करेंगे। यहाँ पे रिडीम पर चलो मैं एक ड्रैगन देख लेता हूँ सबसे पहले, तो यहाँ पे एक ड्रैगन या फिर क्यूपिड भी देख लेते हैं। अगर यहाँ पे क्यूपिड है, कौन सी यहाँ पे करनी चाहिए मुझे, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि मुझे क्यूपिड करना चाहिए या फिर ड्रैगन करनी चाहिए। चलो क्यूपिड कर लेते हैं रिडीम, और सिलेक्ट करके रिडीम करेंगे और कन्फर्म करेंगे। तो देखते हैं मुझे क्यूपिड परमानेंट के लिए मिलती है या फिर नहीं मिलती है। तो मैंने सिलेक्ट कर ली, स्क्रीनशॉट लिया, वेपन स्किन हैज़ बीन रिडीम सक्सेसफुली प्लीज़ वेट। तो यहाँ पे हो चुका है रिडीम। तो देखते हैं वॉलेट में चल के, कलेक्शन में चल के, क्या यहाँ पे मैं क्यूपिड जो है परमानेंट के लिए मिली या फिर नहीं मिली, क्योंकि मेरे पास परमानेंट के लिए नहीं थी। तो अगर ऐसा होता है तो देखेंगे। चलो सबसे पहले तो कलेक्शन में चलेंगे और वेपन में चलेंगे। वेपन में जाने के बाद मेरे पास क्यूपिड स्कार भैया परमानेंट के लिए नहीं थी। तो यार यहाँ पे देख लो कमाल हो चुका है, मेरे पास क्यूपिड परमानेंट के लिए निकल चुकी है। और अभी मैं वॉलेट में आपको जाके दिखाता हूँ, मुझे और भी वहाँ से बहुत कुछ मिला था। क्रेट्स में जाएंगे, यहाँ पे मुझे क्रेट्स भी मिली हैं, तो अभी तो मैं इन्हें ओपन नहीं करूँगा। तो भाई देखो उस बॉक्स में क्या है, मैं आपको बता दूँ। उस अगर आपको वो बॉक्स मिल जाता है तो वहाँ पर जितनी भी लेजेंडरी वेपन्स हैं, वहाँ से आप जितने भी आपके जितना भी आपको बॉक्स मिलेगा, जैसे मुझे एक मिला था, तो आप उतने ही वेपन्स को वहाँ से परमानेंटली रिडीम कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो के लिए कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसी लगी, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए क्लास गेमिंग को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो चलो यार बाय बाय।